Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is जो हमने पढ़ा था दैट इजी वन उसमें हमने कुछ रिलेशन के बारे में पढ़ा था डि रिमेम्बर you know? सो so, उसमें हमने रिलेशन्स पढ़े थे कि किसके साथ हमें ना कैसा रिलेशन होता है एंड हाउ वी आर क्लोज टू ईच अदर हाउ वी आर रिलेटेड टू ईच अदर कैसे हमारे कुछ कुछ ट्रेड्स कुछ कुछ कररेक्टर्सिक्स कुछ कुछ फीचर्स एंड कुछ कुछ हैबिट्स जो हैं उनसे मैच होती हैं वाई बिकॉज वी ऑल आर फैमिली सो दिस चैप्टर इज

बट वेन वी सेलिब्रेट इट ऑल टूगेदर ऑल आर कजन्स मामा मामी चाचा चाची एवरी वन कम्स इन आर होम एंड वी सेलिब्रेट इट टूगेदर इट बिकम्स वेरी मच गुड राइट हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम सब साथ में वो जो हमारा फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं राइट right? सो so, अब इस ऑन द मूव अगेन इस चैप्टर में हमें क्या लगता है कि इस चैप्टर में भी फेस्टिवल है जिसका नाम है दशहरा ओके यू नो जहाँ पे हम रावण को रावण को किसने मारा था श्री राम जी ने रावण को मारा था सो so, रामचंद्र जी ने रावण को मारा था उसी के डे पे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं दशहरा सेलिब्रेट करते हैं राइट सो दशहरा जो है वही कैसे सेलिब्रेट करा जाता है धानु के विलेज में दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन द मूव ओके सो लेट स्टार्ट आ चैप्टर स्टोरी धानूज विलेज पेज नंबर टू हंड्रेड पे हैं हम और वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सो टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानूज हाउस टू सेलिब्रेट द सेरा दे हैव कम विद लगेज इन द बुलक So so तो हाँ, तो ट करने के लिए कैसे आए हैं इन द बुलेक्ट यू नो दिस इज अट ये होती है

मदर के ब्रदर यानी योर मामा यस वी हैव स्टडीड लास्ट चैप्टर ओके नो कंफ्यूजन नाउ इन दिस चैप्टर सो मदर्स ब्रदर इज योर मामा एंड मामा की वाइफ इज मामी सिंपल सो योर मामी एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर फादर के ब्रदर इज योर चाचा एंड चाचा की वाइफ इज योर चाची सो आई मामी एंड चाची अनचाची को इन मराठी लैंग्वेज दे आर मराठी दैट्स व्हाई दे आर सेइंग आई सो आई चाची को हम क्या बोलते हैं काकी

So, this is the occasion of the Sera and the very tasty tasty food is being prepared now. The day passes in laughing and chatting, but by evening everyone moods change. So day passes, din laughing, but by the evening everyone moods change. Evening everyone's mood is changed. The women and the children begin to pack their luggage. So women and children. All the women and the children of the houses are going to pack their luggage. The men sit down with the Mukaddama against who lends money for the meeting. The mukaddama, the Mukaddama, the details of the loan taken by each family. So everyone now taking about something very serious. Okay, on the serious topic on the evening they are talking about very serious. Why serious discussion is going on on the. लोन टेकन फैमिली क्या क्या लोन किसने लिया है फैमिली में में उसकी डिटेल्स के बारे सब लोग बात करने लगे लोन यू इट वी टेक इट अमाउंट ऑफ मनी टेक इट बट वीव टू रिटर्न इट बैक लेटर हमें उसे वापस से करना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद बट हमें वापस करना पड़ेगा इसको लोन ओके okay? so the serious discussion is going on then then he talks for the next few months begin the

ever since dhanu remembers this has been the routine family like dhanu's work on the lands of a big farmer till the sera before the rainy season and many other families also work on such lands they earn just enough money to keep them going through the through these months so ever since धानु रिमेंबर उसने यही याद किया है कि जब मुकदम जिस जो आते हैं ये रूटीन बन रख बना बन गया है क्या रूटीन बन गया है कि फैमिली इज लाइक धानूज वर्क ऑन द लैंड जिस लैंड पे धानु जैसी फैमिलीज काम धानू की फैमिली जैसी है जैसे वो फैमिली है वैसी और भी फैमिलीज हैं जो ऐसे लैंड पे काम करती हैं जो बड़े बड़े फार्मर्स के लैंड हैं बड़े बड़े फार्मर्स के लैंड हैं उन फार्मर्स के लैंड पे वो काम करते हैं कब तक ओनली टिल दशहरा दशहरा तक ही सिर्फ काम करते हैं बिफोर द रेनी सीजन यानी दशहरा के पहले दशहरा तक रेनी सीजन के पहले तक

डू फार्मिंग दे कैन गो बट वॉट अबाउट अदर सिक्स मंथस कितने मंथ होते हैं हमारे पास ईयो में ट्वेल्व मंथ्स कितने मंथ होते हैं ट्वेल्व मंथ्स तो so, हमने सिक्स मंथ्स तो निकाल निकाली बट वॉट अबाउट रिमेनिंग सिक्स मंथ्स वेन देर इज नो रेन नो वर्क इन द फील्ड सो एवरी वन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकदम सो जब उनके पास कोई लैंड नहीं होता फार्मिंग नहीं कर पाते तो क्या करते हैं वो पैसा लोन जैसे ले लेते हैं मुकदम मु, पे ठीक है टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर दी मुकदम सो ये मनी वो वापस उसको पे कर सकें तो वो उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं मुकदम इज एन एजेंट फॉर दी शुगर केन फैक्ट्री सो वो क्या है वो एक एजेंट

during what time of the year did dhanu's family get work in the village during what time do they do not, they do not have the work so कब उन्हें work मिलता था और कब उन्हें work नहीं रहता था मतलब 6 months वो काम करते थे एंड 6 months वो काम नहीं कर पाते थे so dhanu's family gets work before the rainy season rainy season से पहले they have the work

डो यू नो एनी फैमिलीज लाइक धानूज हैव टू लीव देयर विलेज फॉर द मन इन सर्च ऑफ वर्क सो डो यू नो एनी फैमिली जिनके पास दशहरा के बाद जैसे यहाँ पे देखा हमने दशहरा के बाद धानू की फैमिली के पास दे हैव नो वर्क सो देव टू वूव विद मुकदम टू वेयर ही सेंट देगा उन्हें अपना विलेज छोड़ के वहां पर काम करने जाना पड़ेगा सो इन सिमिलर वे डू यू नो एनी जो When they have no work, they go to the other cities or other towns in search of work. So, yes, I know many families who have left their villages for months in search of the work. So, there are many people who leave their villages in search of the work. Clear? Okay, next. If people in Dhanus village do not leave the village in search of work, what difficulties would they face in their own village? If people in Dhanus village do not leave the village. इन सर्च ऑफ वर्क अगर वो छोड़ते नहीं विज को इन सर्च ऑफ वर्क वॉट डिफिकल्टीज दे फेस इन देयर ओन विलेज तो क्या क्या डिफिकल्टीज उन्हें अपने विलेज में फेस करनी पड़ती इफ़ पीपल इन धान नॉट लीव द विज इन सर्च ऑफ वर्क दे वुड फेस मैनी डिफिकल्टीज काफ़ी सारी डिफिकल्टीज टू फेस दे वुड नॉट बी एबल टू अर्न इनफ मनी टू मीट इवन द बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड क्लॉथ्स दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू अफोर्ड दॉ एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन इफ धानूर धानु सामने डिड नॉट लीव द विलेज अगर वो विलेज को नहीं छोड़ते सो व्हाट दे हैव टू डन

नेक्स्ट इन धानूस विलेज कैन बी अ फार्मिंग व्हेन इज नो रेन डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर हाउ इन धानू विलेज देर कैन बी ए नो फार्मिंग व्हेन देर इज नो रेन धानू के विलेज में कैसा होता है कि अगर नहीं नो रेन नो फार्मिंग ओके दैट्स पाए उनका काम क्या होता है छिन जाता है सो क्या यू नो दैट कि कोई फार्मिंग ऐसी है कि जिसमें पानी के बगैर भी काम हो सकता है आफ्टर द इवन देर इज नो रेन बट देयर कैन बी आर फार्मिंग सो ऐसा हो सकता है ऑफकोर्स हो सकता है ओके सो येस फार्मिंग कैन ऑल्सो भी डन विदाउट रेन वाटर न्यू मेथड्स ऑफ इरीगेशन कैन बी यूज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वाटर टू क्रॉप्स सो so, आजकल बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए फॉर द इरीगेशन टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स क्या क्या नए मेथड है जो कैनल्स, ट्यूब वेल्स और राहत कैन बी यूज फॉर द इगेशन द फील्ड्स कैन बी यूज द ट्यूब वेल्स एंड ये हम यूज कर सकते हैं वेन देर इज नो रेन वेन वी कैन यूज द वॉटर विच वी कैन कंजर्व वेन देर इज अ रेन जब रेन होती है तो हम इसमें वॉटर क्या करते हैं कंजर्व करके सेव करके रख लेते हैं ओके

हार्टू कैन सी सो ओल्ड ग्रैंड मदर जो देख नहीं सकती हैं वो वो क्या करेंगी वो और टू मंथ्स ओल्ड कजिन छोटी सी उनकी सिस्टर जो सिर्फ टू मंथ्स की है वो लोग वापस दो तो सिर्फ विलेज में रहेंगे बाकी सब लोग विलेज से दूर चले जाएंगे टू गेट दर्क ओके देन In other homes too, the old and ill people stay behind. Thanu misses his grandmother a lot. Thanu always keep wondering who will take care of his grandmother, but what can Thanu do? So, in other homes also, we just जो हमारे old लोग होते हैं या जो बीमार हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि घर में ही छोड़ देते हैं, right? So He always he always thinks that ki, grandmother ki care kar who is going to be care for my grandmother and Hanu misses his grandmother so much grandmother ko miss be karta tha. But what he can do? Kar sakta tha? he can't do anything. Then some of the more questions are there for you that Dhanu's family and many others from the village go far away to work, but some people stay back in the village. Why does that happen? So, many people go to work away from the village, okay, village se door they started working, but some of the people left behind in the village only, why this happens, because they are ill, they are old, they are not able to survive there, okay, and then no one to care for them, so they, they left in the village only. सो सम पीपल नीड टू स्टे इन द विज सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द हाउस एंड कटल देर ऑल्सो नीडेड टू टेक द एल्डरलीपल हू प्रीफर टू स्टे बैक इन दिलेज हाँ प्रोटेक्ट द हाउस एंड कैटल जो भी एनिमल्स हैं फैमिली के पास दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम और जो भी बूढ़े लोग हैं जो वहां रह गए हैं बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ बिकॉज ऑफ देयर एज उनकी भी केयर करते हैं वो लोग ओके जो स्टे बैक करते हैं एट दी विलेज नाउ नेक्स्ट वेन धानू एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर सिक्स मंथ वॉट हैपन्स इन द विलेज स्कूल सो दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल

नेक्स्ट इज वॉट अरेंजमेंट्स आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड अनवेल फैमिली मेंबर्स वैन एवरी वन गोज फॉर वर्क सो क्या अरेंजमेंट होते थे होम में जब कोई अनवेल फैमिली में है या कोई ओल्ड लोग फैमिली में है और वो घर पे ही हैं एंड ऑल आर अवे फ्रॉम द होम सो व्हाट आर द अरेंजमेंट इन द हाउस

ओके सो दिस इज इट, द क्वेश्चन इज फिनिश्ड एंड अभी तक चैप्टर जो है बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है द चैप्टर इज स्टिल